पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज 17 दिसंबर जबलपुर के मालवी चौक पर बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपाइयों का कहना था कि जब से भाजपा बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पुतला दहन में राष्ट्रीय महासचिव और युवा मोर्चा के प्रभारी तरुण चुग और मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चाहल मौजूद थे। चूंकि कार्यक्रम पहले सुबह 11:30 बजे तय था, उसके बाद संशोधित कर इसे 12:30 बजे कर दिया गया, क्योंकि कल कांग्रेस कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी ने जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश आक्रोशित है। आज पूरे देश के अंदर नागरिक सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, देश के अलग अलग संस्थानों के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी के उन शब्दों का विरोध करते हुए उनके पुतले जला रहे। पूरा देश एकजुट है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो ऐसे मंचों से और ऐसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। भारत के नागरिक अपने प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं और ये बिलावल भुट्टो का बयान ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना निराशा का वातावरण है, हताशा का वातावरण है और कुंठित होकर वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बार कहना चाहता हूं, कल ही 16 दिसंबर बीती है, ऐसी मानसिकता के कारण ही पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े भारत ने किए। भारत के वीरों को, उनकी शक्ति को, उनके शौर्य को परखो मत। ये भारत बदला हुआ भारत है, ये जवाब देना जानता है। इससे पहले भी दो बार आतंकवादी घटनाएं हुई, हमने स्पष्ट कहा था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और पुलवामा और बालाकोट उसका साक्षी है। भारत किसी भी रूप में अपमान नहीं सहेगा। ये बिलावल भुट्टो का बयान, मैं समझता हूं आईएसआईएस की भाषा है, आईएसआई की भाषा है। अपने आप को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली स्थिर करने के लिए वो वहां की पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के गुर्गों को खुश करने के लिए, अपने मालिकों को खुश करने के लिए ऐसी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ये बिलावल भुट्टो जी जिस आईएसआई ने, जिस पाकिस्तान की सेना ने, जिस कट्टरवाद ने आपके नानों को फांसी पर चढ़ाया, आपके माताजी को हत्या की, आपको अब भी उसी आईएसआई के हाथ खेल रहे हो, अब उसी आईएसआई का, उस पाकिस्तान की सेना का हथियार बन रहे हो जिसने आपकी माताजी और आपके नाना की हत्या की थी। ठीक है, आप अपने आंखों को खुश करिए। भारत अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री, जिसे देश की जनता अभिभावक के रूप में मानती है, एक नायक के रूप में मानती है, उसका अपमान नहीं सहेगा किसी सूरत में नहीं। सर पठान फिल्म को लेकर क्या कहना है आप? कि जो यात्रा है, इट इज ए ट्रेडमिल वॉक। ट्रेडमिल होता है जिस पर दौड़ने वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है लेकिन उसको लगता है वो दौड़ रहा है लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक है जिस पर दौड़ने वाला व्यक्ति
एक गज एक किलोमीटर एक भी माइलस्टोन नहीं पार करता है और वो यात्रा लक्ष्यहीन होती है। इसलिए राहुल गांधी की यात्रा ट्रेडमिल वॉक है, लक्ष्यहीन है और इस यात्रा से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस पार्टी पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी छटपटाहट में सुर्खियां बटोरने के लिए कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को अपने साथ ले जाते हैं और कभी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे वो सुर्खियों में रह सके। देश वंशवाद से भ्रष्टाचार से डूबी हुई कांग्रेस से घृणा करता है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।